Hello students, in this question you are asked that the right option for the statement Tyndall effect is exhibited by. See, Tyndall effect is the scattering of beam of light. यानी कि लाइट का पाथ पूरा पता चल जाना. लाइट अगर ऐसे आ रही है तो उसका स्कैटर कर जाना, ये आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है. और ये जो होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है. तो जो गिवन ऑप्शन है आपको, उसमें से आपको कोलोइडल सॉल्यूशन देखना है. फर्स्ट इज NaCl सॉल्यूशन. NaCl इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज ट्रू सॉल्यूशन, पानी के अंदर आराम से पूरा घुल जाता है. कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए जो पार्टिकल साइज आपका होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर एंड इट शुड बी टिल द रेंज ऑफ लाइक 100 to 1000 नैनोमीटर्स. सो उस रेंज में लाए करने चाहिए. यानी कि पार्टिकल्स आपको कंपेरेटिवली ज्यादा पूरे अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन नहीं देना चाहिए. ग्लूकोज ऑन दी अदर हैंड इट इज ऑल्सो सोल्यूबल. स्टार्च सोल्यूशन थोड़ा सा ब्लरी होता है, इट फॉर्म्स दी कोलोइडल सोल्यूशन. सो स्टार्च सोल्यूशन विल शो दी टिंडल इफेक्ट. इट इज अ कोलोइडल सोल्यूशन, सो दिस विल शो टिंडल इफेक्ट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक यू.